क्या कर रही हो तुम? मानव, ये कबाड़े की चीज है, बस इसे बाहर फेंक रही हो, और क्या? ये हमारा कमरा है, हम इस कमरे का रेंट दे रहे हैं, तो इसमें चीजें भी तो हमारी होंगी ना। अच्छा, ये कबाड़े यही का सामान है? मानव, किसी का भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कमरा हमारा है और हम इस घर का रेंट देते, तो बस इसमें वही चीजें रहेंगी जो हम दोनों के साथ। अच्छा, धीरे बोलो, आई सुन ले। सुन ले, मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही हूँ मतलब? ये कमरा मेरा है, मैं इस कमरे का रेंट देती हूँ, तो ये कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई थी जो मेरी नहीं थी, तो मैंने बाहर फेंक दी। ये मेरी सबसे अच्छी आइडिया थी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये छाता मुझे दीजिए, ये मानव का छाता है, ये गलती से मैंने फेंक दिया था, लाइए दीजिए। ये मेरे मानव ने मुझे तोहफे पर दिया था, और इन चीजों से अगर तुझे तकलीफ होती थी तो मुझे कह देती, मैं सब उठाकर बाहर लेके आती। तूने क्यों तकलीफ उठाई? मैंने आपसे कहा ना, आपको सुनाई नहीं देता क्या है? ये आपके मानव का नहीं, मेरे मानव का। मेरा बेटा तो तूने रख ही लिया है, उसका तोहफा भी तू रख ले। जो प्यार रहा ही नहीं, उसकी निशानी मैं क्यों रखूं? रख रख, मेरे बेटे को छाते को दिन भर देखते बैठना। क्या मिला? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब बातों का आई पे कोई असर नहीं होगा। असर होगा मानव, एक ना एक दिन इन सारी बातों का असर होगा आई पर, और मुझे पता है, मैं हमारी आई को वापस लेकर आऊंगी। ताई, तू भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर अड़ जाती है। अरे आजकल के बेटे बहुए तो सास ससुर को घर से निकालने पे उतारू हो जाते हैं, और एक तू है, तेरा बेटा और बहू जो खुद से वापस आकर रह रहे हैं। मेरी बात मान, दोनों को अपना ले, गले लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुझे जो इतना काम करना पड़ रहा है वो भी नहीं करना पड़ेगा। किसकी बात कर रही है तू? बेटे बहू की? अरे नहीं रे, वो मेरे घर के किराएदार है। किराएदार? ये क्या कह रही है ताई? मुझे प्यास लगी है, तुझे पानी पीना है क्या? मैं जा रही हूँ। सविता ताई, तू कभी नहीं सुधरेगी ना। मैं पानी पीने जा रही हूँ, तुझे चाहिए क्या पानी? पी ले, पूरी बाल्टी मुंह से लगा ले, या फिर सिर पर उंडेल ले। मैं ही गलत थी जो तुझे नसीहत देने चली आई। चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। आई, ये लीजिए। तेरे हाथ का पानी पीने से मैं प्यासी मर जाऊं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आई, आप पानी कैसे पी सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं आई, इस घर में जितना भी पानी है ना, वो सब मेरे हाथ का भरा हुआ है, तो आप ये पानी कैसे पी सकती हैं? सही कह रही हो ना मैं आई? अगर आपको मुझसे इतना प्रॉब्लम है तो आप ये पानी भी नहीं पी सकती।
है ना? मैंने कहा ना, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी का मतलब नहीं पीऊंगी। आज भी मेरे में इतनी ताकत है, मेरे पीने का पानी मैं खुद जाके भर के लाऊंगी। जानू जानू, तुझे पता है कल गुड़ी पड़वा है। हम घर में क्या बनाएंगे? पूरी बनाएंगे, श्रीखंड बनाएंगे। मेरा सोनू खाएगा ना? हाँ, मेरे हाथों से खिलाऊंगी। तू खाएगा ना? नए कपड़े पहनेगा ना मेरा सोनू? हाँ, ये सब पुराने हो गए, नहीं चाहिए। हम आज ही जाके नए कपड़े लाएंगे। हाँ चल, मैं अभी पैसे निकालती हूँ। हाँ, कपाट में से तू खेलते बैठ। हाँ खेला, मैं पैसे लाती हूँ। हाँ, कपड़े के लिए। हाँ चल। अरे बाप रे, गहने तो मैं भूल ही गई। शी शी शी, कितने काले काले हो गए हैं। क्या पहनूंगी कल ऐसे गंदे? इसे पॉलिश को देती हूँ आज। चल आई, ये कोपरे पाप कल गुड़ी पाड़वा है, उससे पहले सूख जाएगा ना? हाँ सूख जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे ड्राई फ्रूट्स मैं अंदर भूल गई, जाना लेकर। जाकर बात करो, देख क्या रहे हो, जाओ ना। अरे जाओ। क्या कर रही है? कल गुड़ी पड़वा है ना, उसकी तैयारी चल रही। और पूजा का सामान? वो तो तुम्हारे बाबा लेकर आए। और कुछ काम हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी। हाँ आई, तुझसे बात करनी थी। हाँ बोलो। वही ये बात थी कि टेलीफोन एक्सचेंज के लोग आए थे, वो एड्रेस रिकन्फर्म कर रहे थे, तो हमने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? अरे वही हमेशा वाला रेशन कार्ड, वो उस ड्रॉवर में उसकी जेरोक्स रखी है, तुझे चाहिए तो ले ले। ठीक है, मैं वो जमा करा दूंगा। भाई घर के पेपर्स कहाँ हैं? वो तो लैमिनेशन के लिए बोल रही थी ना, तूने करा लिए? घर के पेपर्स तो कुछ दिन पहले तुम्हारे बाबा ने मुझसे लिए थे, और लैमिनेशन मुझे नहीं लगता उन्होंने किया होगा। तुम्हें पता है ना वो कितने आलसी हैं। तो तू उनसे पेपर्स मांग लेना और मुझे दे देना। ठीक है, लेकिन गुड़ी पड़वा के बाद। हाँ आई, ये देख। हाँ है ना, ठीक है। और क्या लाना है? इलायची नहीं है, इलायची भूल गई क्या? ठीक है, तू पक्का उनसे ले लेगी ना? हाँ लेकिन अभी नहीं है, अभी मैं जल्दी में हूँ, इतने सारे काम है। लेकिन आई, देख अगर तुझे चाहिए तो तू ही मांग लेना। वैशु जल्दी लेकर आ। हो आई आले। ना तो इसको पॉलिश करके देना। अच्छा ठीक है,
अरे माधो इसका वजन कर और पोती बना। ये हार निकालो ना, मस्त है ना हार। लीजिए। वाह, कितना है कीमत इसकी? इसका कीमत है 55,000। पर अभी गुड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो इसकी कीमत 2,000 कम करके 53,000 में दे देगा। नहीं नहीं चाहिए, पॉलिश ही करो। पॉलिश ही कर दूं? अच्छा, पॉलिश नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल में 5-6 साल तक इसकी पॉलिश रहती है। और पैसा? पैसा 6,000। बापरे, नको, नॉर्मल ही करो। नॉर्मल ही करो। नॉर्मल नॉर्मल का बिल बना दे। के शादी में ऐसा लेने का ना, तेरी बीवी के लिए झुमके लेंगे, ऐसा वाला हार लेंगे। आई को आज भी सोने से उतना ही प्यार है। आई की इस चाहत का फायदा उठाकर मैं उन्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। दीदी, ये अंकल कौन है? अरे सतीश, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना यहाँ पर। ये सतीश अंकल है। अंकल वहाँ दूर क्यों खड़े थे? क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? क्यों, क्यों नहीं पसंद है? मुझे बच्चे बहुत पसंद है बेटा, खास करके आप जैसे शैतान बच्चे। चलिए अभी अंकल को प्यारी सी किस्सी करिए। अच्छा चलो बच्चों, हम सब वहाँ पर चलते हैं, मैं तुम लोगों को अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जाओ जाओ, वर्षा आंटी के साथ जाओ। आओ। हेलो, छुट्टी के मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वर्षा, अच्छा मुझे ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकती हूँ, फिर बैंक होकर घर चली जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों चलते हैं। बच्चों अंकल को बाय करो। बाय बाय बाय। बच्चों मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों के लिए क्रेयॉन्स और कलर्स लाए थे ना, और बुक्स लाए थे, तुम लोगों ने ड्रॉइंग किया कुछ? दिखाओ मुझे, तुम्हारा बुक कहाँ पर है? दो। ये क्या है? ये एक ऐसा कमरा है जहाँ हम सबका जाना मना है। अगर हम में से कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों की डांट पड़ती है। कहाँ पर है ये कमरा? दीदी ये है वो कमरा। वो अच्छा ठीक है, तुम सब लोग नीचे जाओ, मैं आती हूँ। आप वहाँ नहीं जा सकती, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ऐसा क्या है वहाँ पर? यहाँ वो बच्चे रहते हैं जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। हमने जानबूझकर इन्हें नॉर्मल बच्चों से अलग रखा है, क्योंकि हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ इन नॉर्मल बच्चों को कुछ खतरा पैदा हो जाए। अरे हुआ तो नहीं है ना? जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचता क्यों है? आज की सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में 5 लाख रुपए है। 5 लाख? अब तो देख, इसमें से 1.5 लाख रुपए देके उधारी चुकती कर दूंगा, और 3.5 लाख रुपए मानो के धंधे में लगा दूंगा। फिर देखना मानो कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे मानव तू आ गया? मैं कहीं पहुंचना नहीं चाहता अजीत, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मानव सब सुन लिया है मैंने। मैंने तुझसे मना किया था ना जुआ खेलने के लिए, और मैंने तुझसे ये भी कहा था कि हमारा रिश्ता तब तक टिकेगा जब तक तू ये काम नहीं करेगा, और फिर भी तू। मानव मेरा इंटेंशन गलत नहीं था यार, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। और ये देख किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। हमारे पास पैसे आ गए मानव, पैसे आ गए हमारे पास। हमारे सपनों को सच्चाई में बदलने का रास्ता एकदम आसान हो गया। रेत पे टिक के खड़े होने की बात कर रहे हो तो? ये पैसे हराम के हैं, इससे घर बनते नहीं, बिगड़ जाते हैं। मानव पैसा तो पैसा है यार,
बिजनेस से कमाओ या रेस से, पैसा तो पैसा है, उसकी अहमियत कम नहीं होती। मानो मैंने सिर्फ किस्मत आजमाई है। क्या गलत किया मैंने, क्या गलत किया? चोरी की है, डाका डाला है, धोखा दिया किसी को, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ बस मैंने एक काम गलत किया है कि तेरा नाम इस्तेमाल किया। लेकिन मैं उसे पैसे दे रहा हूँ यार, पैसे दे रहा हूँ ना मैं। देख मैं तुझे किसी किस्म की परेशानी में नहीं दे। परेशानी हो रही है मुझे अजी, हो रही है मुझे, इसलिए नहीं कि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया, बल्कि इसलिए एक दोस्त को मैंने एक दलदल से निकाला था और वो दोस्त उसी दलदल में वापस जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मानो क्या सोच रहा है यार, तू क्या सोच रहा है? ये सब छोड़, मौके का फायदा उठा, पैसे आ गए, बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। मुझे ये पैसे बिजनेस में नहीं लगाने, ये हराम के पैसे हैं, मेहनत करके पैसे कमाएंगे हम। अरे बरसों लग जाएंगे, लगने दो, लेकिन जो पैसे आएंगे वो बरसों तो ठीक आएंगे भी, पैसों का क्या है, उनके पैर नहीं होते, आज यहाँ है कल वहाँ है। उसूल नाम की कोई चीज होती है जीत, उसूल 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 संस्कार, ये सब फालतू की बातें। मानव रोटी कपड़ा मकान ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जो इंसान चाहता है, और ये भी पूरी ना हो सके तो हमें हमारा रास्ता बदलना होगा। मैं गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा, और अगर तुझे मेरे साथ रहना तो तुझे भी ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा मानव। क्या कहा तुमने? मुझसे नहीं होगा मानव, मुझसे नहीं होगा। मानो मैं गरीबी से तंग आ गया हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ उससे, और मुझे पता चल गया है किस्मत मेरा साथ दे रही है। अब फायदा नहीं उठाऊंगा ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा मुझे। अजी देख फिर। नहीं मानो नहीं, मैं कछुए की चाल नहीं चल सकता, मुझे दौड़ना है तेज घोड़े की रफ्तार से, उसी रफ्तार से आगे बढ़ना है। क्या करूं, कह दूं ये सब अर्चना से? नहीं नहीं, ऐसे ही घर में इतने सारे टेंशन चल रहे हैं, अजीत के बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएगी। अर्चना को फिलहाल इन सब बातों से दूर ही रखना होगा, और वंदु को भी। मानव आप यहाँ है, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। मानव मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने आई को ठीक करने के लिए एक और उपाय निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा होगा। मानव क्या बात है, आपका ध्यान किधर है? नहीं कुछ नहीं रचना, वो थोड़ा थक गया हूँ, सर में दर्द है कुछ। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। मानव आप बैठिए। मानव जरूरत नहीं है, बस एक पेन किलर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई पेन किलर वेन किलर नहीं, ऐसा तेल लगाऊंगी ना कि आपका सर दुखना बंद हो जाए। ये तो गर्दन के नीचे और लेफ्ट में। अभी तक तो मानव मना कर रहे थे आप, अभी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और मसाज करो ना आपकी। अर्चना प्लीज मत। मानव मानव प्लीज छोड़ी ना, मानव बाबा आ जाएंगे, मानव प्लीज छोड़ी, मानव बाबा। सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हारे पास आके लगता ही नहीं गए, कोई जिंदगी में टेंशन सब गायब हो जाता। इतनी आसानी से कैसे कर लेती? काश कि मैं भी इतनी आसानी से तुम्हारी परेशानी दूर कर पाता। परेशानी? और वो भी मेरी? मुझे कोई परेशानी नहीं। मानो आपको पता है, जब से मेरी शादी हुई ना आपसे, मेरी सारी परेशानी अपने आप दूर हो गई। कभी कभार परेशान हो जाती हूँ जब आपको मुश्किल में देखती हूँ। अच्छा आपको वाकई में ऐसा लगता है कि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं? तो ठीक है, मैं पापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको और मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए जोड़ कर रख दे। ऐसे? तुम्हारी पापा ने सुना माना। वहिनी। अरे वंदु तू गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। तुझे भी। अच्छा वंदु ये माधुरी, माधुरी वंदु मेरी ननद। हैप्पी गुड़ी पड़वा आपको भी। वहिनी मैं ना बाबा और आई से मिलकर आती हूँ। बाबा? अरे वंदु यही नहीं तुला गुड़ी पाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बाबा और दादा आप दोनों को भी गुड़ी पाडवा की हार्दिक शुभेच्छा। अरे
अजीत और उसकी आई नहीं आई? बाबा वो अजीत और आई ना हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, उन्होंने मुझे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मन था कि मैं आप लोगों के यहाँ साथ यहाँ पे गुड़ी पाड़वा बनाऊँ, इसलिए मैं यहाँ चली आई। बाबा मैं बहन की कुछ मदद कर देती हूँ। चिंता मत कर मानो, सविता आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, लेकिन हम सब साथ में है ना, वो भी एक दिन हमारे साथ होगी। चल आज बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन मायूस नहीं होते, चल खाना खा लेते, चल 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 चल। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जो मैंने गहने पॉलिश करवाने के लिए दिए थे ना, वो लेने आई। आपने यहाँ पर गहने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए? कब? कल। कल? अरे नितिन, कल ये ताई यहाँ पर आई थी गहने लेकर पॉलिश करवाने के लिए? नहीं। माफ कीजिएगा ताई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हो सकता है आप किसी और दुकान में गई हो। अरे हाँ, कल यही हार की कीमत मैंने पूछी थी। ताई, एक डिजाइन के कई सारे हार होते हैं और वो हर दुकान में बनते हैं, हो सकता है आपने किसी और दुकान में जाके पूछताछ की हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं यही दुकान में मैं देख के गई है, मैं खुद देख के गई हूँ। तो फिर आपके पास हमारे दुकान का बिल या रसीद वगैरह होगी, वो दिखाइए। एक मिनट, इसमें नहीं, कहीं घूम गई लगता है या घर पे भूल आई, मालूम नहीं, याद नहीं, लेकिन यही दुकान है। रसीद की क्या जरूरत है, जब मैं बोल रही हूँ मैंने दिए थे गहने। फिर ठीक है, काम करते हैं। हाँ। अगर आप यहाँ गहने लेकर आई, हाँ, तो हमारे यहाँ से रसीद मिली होगी। हाँ। तो आपका नाम हमारे बुक में होगा, सविता दामोदर देशमुख। देखो देखो देखो, माफ कीजिएगा ताई, आपके नाम की यहाँ पर एंट्री ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लगता है आपको मेरे गहने लौटाने ही नहीं है, हड़प करने का आपका दिल सोच रहा है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। एक मिनट, हम कब से सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो बोलती चली जाएं। अरे अरे, 20 साल से दुकान चला रहे हैं, हमारे दुकान की ईमानदारी की मिसाल दी जाती है मार्केट में, और एक आप है क्या अनासना बोली जा रही है। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं अब भी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आप क्या पुलिस में कंप्लेंट करेंगी, मैं खुद पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ, और अभी इसी वक्त यहाँ फैसला कराता हूँ। बुलाओ, मैं देखती हूँ। कहिए, आप लोगों में से किसने फोन किया था? साहब साहब, ये लोग चोर है, इनके पास मैंने मेरे गहने पॉलिश करवाने के लिए दिए थे, अभी जब मैं मांगने आई तो ये नहीं लौटा रहे, इनको गिरफ्तार करो। अरे खून पसीना इकट्ठा करके मैंने ये सब गहने बनवाए थे, इन्हीं के पास दिए थे, मुझे बराबर याद है, यही दुकान में आई थी, इनको दिए थे, अब ये देखो कैसे झूठ बोल रहे है। इंस्पेक्टर साहब, इसके पास हमारे दुकान की रसीद या बिल भी नहीं है, और न जाने कब से अनाप सनाप पके जा रही है। अरे वाह, रिसीट होगी तो भी मैं देने वाली नहीं, अरे जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं, इतनी बुढ़ी औरत क्या झूठ बोलेगी। देखो जब तक मुझे मेरे गहने नहीं मिलते मैं यही बैठू रहूंगी कोने में। देखो देखिए, कल आपको इन्होंने कोई रसीद दी थी, कहाँ है वो? मुझे मालूम नहीं कहाँ रखी, वो याद भी नहीं है मुझे। मानव ये वही हार है जो आई को बहुत अच्छा लगा था, देखिए बहुत अच्छा है ना। इसका इसकी कीमत क्या? इसकी कीमत 55,000 है, मगर कोड़ी पड़वा चल रहा है ना,
तो आपको 2000 कम करके 53,000 में दे देंगे। हसना ये तो बहुत महंगा है, ऐसा करते ना कुछ दिन रुक जाते, मैं एक बार पैसे इकट्ठे कर लूँ फिर ले लेता। ठीक है मानो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आई जी से ये हार पहनेगी ना वो बहुत खुश होंगे। अरे तुम अपने लिए कुछ तो लो। नहीं मानव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मानव, अरे इसको भी देखिए, आप सीधी तरह से बात मान जाइए और उठिए, नहीं तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे वाह, कैसा न्याय है, मैंने इनको गहने दिए, ये मुझे नहीं लौटा रहे, मुझ पर अन्याय हो रहा है, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। अर्चना मैं जाके देख के आता हूँ। मानव एक मिनट, अगर आप इस तरह सबके सामने जाकर आई के सामने सच्चाई रखेंगे तो आई का आत्मविश्वास टूट जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उनकी सेहत पर उसका सीधा असर पड़े। मत बताइए सबके सामने मानव। अरे लेकिन अर्चना तो फिर करे क्या? मेरे पास एक रास्ता है मानव, जिससे कि आई का आत्मविश्वास भी नहीं टूटेगा और हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल जाएगा। क्या? एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है आपको? दादा हम जानते हैं आप अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी बात को समझें। वो जो औरत है वो हमारी आई है। क्या आई है आपकी? क्या खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाइए समझाइए उन्हें, बेवजह तमाशा खड़ा कर रखा है मेरी दुकान में। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ दादा, उनके साथ जो हो रहा है उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। मतलब ये है कि उन्हें भूलने की बीमारी है दादा, कल उन्होंने कहीं और कहने दिए थे और आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी दुकान में दिए, क्योंकि वो भूल चुकी है दादा। बस मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? दादा मैं ये चाहती हूँ कि आप ये गहने लेकर वहाँ आई को दे दे और उनसे कहें कि मैं भूल गया था कि आपके गहने मेरे पास है, और उनसे माफी मांग लीजिए बस। आप जान रही हैं आप क्या कर रही हैं? उन सबके सामने जाकर माफी मांगना, मेरी तो मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और वो गुनाह मैं क्यों कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं? मैं क्यों मांगू सबके सामने माफी? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ दादा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमारी आई बीमार है, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और अगर आज उनकी सबके सामने बेइज्जती हुई ना तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा दादा। हम हमारी आई से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो। दादा अगर आप हमारी इतनी मदद कर देंगे ना तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं बोलूंगी। प्लीज दादा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इतना सा मेरे लिए कर दीजिए प्लीज। ठीक है। एक मिनट दादा, ये गहने, ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर बाद लेकर आइए प्लीज। इस औरत को दुकान से उठा के बाहर फेंको, खाली बिल के दिमाग को आग लगा रही है। एक मिनट रुकिए। मेरी सास है और मैं इनसे बात करूंगी। आई क्यों यहाँ बेवजह तमाशा करे जा रही हैं आप? यहाँ कोई गहने वहने नहीं दिए आपने, उठिए। ए तू चुप कर, तू क्यों अपनी टांग अड़ाने आई बीच में? आई क्यों जिद कर रही हैं आप? जब इतने सारे लोग कह रहे तो क्या वो झूठ कह रहे होंगे? आई पहली बात ये है, आजकल आप सब कुछ भूल जाती, आपको कुछ याद भी तो रहता नहीं, और अब चलिए आपने गहने यहाँ नहीं दिए। तू मुझे भुलक्कड़ समझती है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।